कितने में बिका हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद हमारे आदरणीय पूजनीय हर्ष महाजन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 बजे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रेस के सामने रिज पर जिस तरह से एनएसयूआई और कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की और दीवार को क्रॉस करके फांद कर हमारी प्रेस जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उस स्थान पर आए, गाली गलौज किया, बदतमीजी की और आशियाना के दरवाजे को इस तरह से तोड़ रहे थे कि ये कोई आज़ादी से पहले का ज़माना होगा जैसे मुगल करते थे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस कि नेता तो मानसिकता खो गए हैं पर अब वर्कर तक नीचे इनकी मानसिकता खो बैठे हैं। आपके सामने किस तरह से हुआ, हिमाचल एक देवभूमि है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा इस तरह से इस कार्य को ऐसे कार्य को करने के लिए कभी भी इजाज़त नहीं देती। आज तक हमने कब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह से खलल मचाई होगी? और जिस तरह से इन्होंने किया, ऐसा नहीं हम भी रिएक्ट कर सकते थे, पर हम यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इस देवभूमि को बदनाम नहीं करना चाहते। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से यही विनती है कि आप इसमें सख्त कार्रवाई करें। किसने ये दीवार क्रॉस करके हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कौन लोग दरवाजा तोड़ रहे थे, इसकी वीडियो निकालकर उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। और अगर इस पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो हम इसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भी करेंगे कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी स्थान पर जाना ये कांग्रेस से पूछ के नहीं कर सकते। हम कौन कांग्रेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भी यही तरीका अपना सकते हैं, हम भी इनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दखल अंदाजी कर सकते हैं। पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी तो हम इस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। थैंक यू। और बिकाऊ विधायक थे, अगर वो हमें आज यहाँ दिखे तो हमने उनका घेराव किया, हमने उनसे जानना चाहा ऐसी क्या लानत बड़ी की आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को वोट दिया। और उनकी जो
जो दलाली भरी जिंदगी थी उनका पता उस टाइम लगता जब वो राज्यसभा के वोट देने आए थे, उस टाइम भी वो बीजेपी का परचम लहरा रहे थे। हमें हम आज कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, सब हमेशा शीर्ष नेतृत्व पे रखा, लेकिन आज इन्होंने दलाली की। हम इसका जवाब पूछना चाहते हैं और एनएसवाई इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज तो ये ट्रेलर था, आने वाले समय में जहां भी हमें ये छह लिखे हुए विधायक मिलेंगे, हम इनके काले मतलब काली भेड़े हैं और इनके पुतले जलाए जाएंगे, पुतले दहन किए जाएंगे शब्दों के साथ। जनता ने इन्हें चुनकर भेजा था, लेकिन ये दलाली कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज हम लोकतंत्र की जो दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, हम सरेआम इनका विरोध करते हैं और आने वाले समय में जहां भी मिलेंगे एनएसवाई पुरजोर विरोध के लिए तैयार रहेगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए जो ये भी तो सार्वजनिक तौर पे बिके, सार्वजनिक तौर पे बिके हैं। जब इन लोगों ने ये सार्वजनिक शाम को हमारे विधायकों के साथ डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट की, उसके बाद ये जा रहे हैं, तो क्या ये सही था? आप बताइए, क्योंकि प्रदेश की जनता ने चुन के भेजा है। शाम।